ओके, वी आर बैक विद अ न्यू क्वेश्चन. फॉर द आइडल ट्रांसफॉर्मर सर्किट फाइंड सोर्स करंट I1, आउटपुट वोल्टेज V0 एंड पावर सप्लाइड बाय द सोर्स. तो पहले यहाँ पे एक नया टर्म आया, आइडल ट्रांसफॉर्मर. तो आइडल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है मैं यहाँ पे बता दूँ. आइडल ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो ऐसा ट्रांसफॉर्मर होता है जिसका प्राइमरी, सेकेंडरी और म्यूचुअल री इंडक्टेंस जो होता है, क्या होता है वो, इन्फिनिटी होता है. कपलिंग कोपिशेंट यूनिटी होता है. और ये L1 और L2 जो होती है क्या होती है, लॉसलेस होती है. यानी इनका R1 और R2 क्या होगा, जीरो होता है. इसी को कहते हैं हम क्या, आइडल ट्रांसफॉर्मर. तो आपको देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या, आइडल ट्रांसफॉर्मर है तो क्या करेंगे हम, क्या कर सकते हैं हमें, अगर लोड पता है ZL में इसको कहूँ, तो हम इसका यहाँ से इम्पिडेंस फाइंड कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड इम्पिडेंस. तो ये रिफ्लेक्टेड इम्पिडेंस जो होता है ZR, ये होता है N1 अपॉन N2 का स्क्वायर इंटू ZL. ठीक है, N1 मैंने मान लिया इसमें टर्न है, इसमें N2. ठीक है, N1 और अपॉन N2. यहाँ पे देखो ये N1 और N2 का रेशियो दे रखा, तो कितना हो गया ये, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ZL. मुझे यहाँ से कितना दिखाई देगा, केवल 20 ओम है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 20, तो ये कितना आ जाएगा, 5 ओम. यानी यहाँ पे आप मुझे टोटल यहाँ से इम्पिडेंस देखूँ कितना दिखाई देगा, 5 ओम. मुझे I1 चाहिए, तो मैं I1 निकालने के लिए क्या करूँगा, यहाँ से I1 चाहिए मुझे. तो ये देखो यहाँ पे ये I1 कैसा होगा, करंट इस टाइप से फ्लो होगी पूरे में. I1 यहाँ से यहाँ तक पूरा इम्पिडेंस, मैं इक्विवेलेंट सर्किट एक बार ड्रॉ कर दूँ I1 के लिए कैसे दिखेगा. ये हो गया 120 एट एन एंगल ऑफ 0, 4 ओम, माइनस J6 ओम. यहाँ से ये आ गया ZR, है ना, ये क्या आ गया ZR, यानी 5 ओम. इसमें करंट फ्लो हो रही है I1, तो I1 यहाँ से कितना आ जाएगा, 120 एट एन एंगल ऑफ 0 अपॉन 4 माइनस J6 प्लस 5. ये I1 को जब यहाँ से सोल्व करेंगे, I1 की जो वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ, 11.09 एट एन एंगल ऑफ 33.69 इतने एम्पियर. ठीक है, तो ये आ गया I1. I2 को कैसे निकालेंगे, अब मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, इसको इम्पोर्टेंट करके लिखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इसके लिए हम अब यूज़ करने वाले हैं आगे. पहला पॉइंट है, इफ V1 एंड V2, V1 यानी यहाँ का वोल्ट जो प्राइमरी कोइल लगी हुई है, इसका वोल्टेज, इसका V2. ठीक है, आर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव एट डॉटेड टर्मिनल. अगर V1 और V2 दोनों ही पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देन क्या होगा, हम क्या क्या यूज़ करेंगे, V2 अपॉन V1 जो होगा हमारा, ये किसके इक्वल होता है, N2 अपॉन N1. ठीक है, तो हम लेंगे यहाँ पे जो साइन यूज़ होगा ये पॉजिटिव होगा. ठीक है, N2 अपॉन N1, यहाँ जो साइन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. अदरवाइज ये जो साइन आएगा पॉजिटिव आएगा. अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, V2 अपॉन V1 जो होगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, N2 अपॉन N1. ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो, यानी एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला. मैं इनको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो होगा ही नहीं कुछ भी. सेकेंड पॉइंट है, इफ करंट के लिए लिख दो, I1 एंड I2 आर बोथ एंटरिंग और लीविंग एट द डॉटेड टर्मिनल. डॉटेड टर्मिनल यानी डॉट्स में, देन क्या होगा,
अगर दोनों आई वन और आई टू आ रही हैं दोनों में या जा रही हैं, तो आई वन अपॉन आई टू जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आई वन के सामने आता है एन टू और इसके सामने आता है एन वन, ठीक है। अगर दोनों एंट्री हैं या लीविंग है तो यूज़ करेंगे हम माइनस, अदरवाइज एक में एंटर हो दूसरे में लीव कर रही हो तो क्या यूज़ करेंगे हम, पॉजिटिव साइन, ठीक है। इनको इम्पोर्टेंट करके लिख लेना, इसके बिना तो होगा ही नहीं कुछ भी, ठीक है। इतना कर दिए, अब अपने हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। अब हमसे क्या क्या पूछा गया, हमसे आई वन पूछा गया जो कि आ चुका है। नेक्स्ट पूछा गया हमसे वी नोट, वी नोट जो होगा वी नोट की वैल्यू कितनी होगी, इसमें आई नोट करंट फ्लो रही है 20 आई नोट, ठीक है। तो हमें आई टू की वैल्यू चाहिए, आई टू कहाँ से आएगा, देखो यहाँ से इस वाले डॉट में ये करंट आई वन ऐसे आ रही है, आ रही है, आ रही है यहाँ पे, यहाँ से ये लीव कर रही है, आई वन लीव कर रही है ध्यान रखना, और ऐसे आई टू आ रही है, आ रही है, आ रही है, आई टू भी लीव कर रही है, तो ये भी लीव, ये भी लीव, आई वन और आई टू तो क्या कर रही है, लीव कर रही है। अगर दोनों करंट लीव कर रहे हो तो कौन सा यूज करना, माइनस वाला, ठीक है। तो हमें पता चल गया हमारे क्वेश्चन में क्या है, आई वन अपॉन आई टू इजिकल्स टू माइनस एन टू अपॉन एन वन, वो हो जाएगा टू अपॉन वन, हमें आई वन की वैल्यू आ चुकी है, आई टू की निकालनी है, तो आई टू जो आ जाएगा यहाँ से इधर इधर ले गया माइनस वन बाई टू आई वन, माइनस वन बाई टू आई वन की वैल्यू आई है हमारी कितनी, 11.09 एट एन एंगल ऑफ 33.69, ठीक है। तो यहाँ से आई टू जो आ गया हमारा कितना आ गया, इसे देखो इसका टू से डिवाइड करेंगे, इसे माइनस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको माइनस वाले को 1/2 एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 11.09 33.69, तो हो जाएगा ये 11.09, ठीक है। नेगेटिव साइन करने के लिए मैंने बताया 180 ऐड कर देते हैं, बस 180 को इसमें ऐड करोगे तो ये आएगा 69, ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 21, इतने डिग्री एम्पियर, ठीक है। हमें हमें आई आई टू तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए वी नोट, वी नोट था हमारा 20 आई टू, तो 20 ये आ गया कितना, 11.09 अपॉन 2 एट एन एंगल ऑफ 21369, तो 2 से ये 10 टाइम्स और 10 से इसमें करेंगे ये हो जाएगा 110.9 213 इतने वोल्ट, ठीक है। वी नॉट की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पूछा गया हमसे, नेक्स्ट पार्ट देखो, कॉम्प्लेक्स पावर सप्लाइड बाय द सोर्स, तो कॉम्प्लेक्स पावर सप्लाइड बाय द सोर्स कितना हो गया, वोल्टेज इंटू करंट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो इससे करंट कौन सी निकल रही है, आई वन, तो यहाँ वी ये रहा हमारा है ना, तो आरएमएस जब कहीं पर कुछ मेंशन नहीं हो तो हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, आरएमएस, तो ये हमारी कौन सी वैल्यू होगी, आरएमएस, ठीक है। तो पावर थर्ड पार्ट है कॉम्प्लेक्स पावर सप्लाइड बाय सोर्स जो होगी वोल्टेज उसके अक्रॉस वोल्टेज इनटू हम उससे करंट कितनी है, आई वन, उसका क्या लेना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो यहाँ पर वी एस दे रखा 120 एट एन एंगल ऑफ 0, आई वन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करो, आई वन कितना आया था हमारा, अभी हमने आई वन की जो वैल्यू निकाली थी यहाँ पे देखो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने बताया हुआ है ये आई वन है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो एंगल होता है बस उसका साइन अपोजिट कर देते हैं, तो यहाँ ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, तो 11.09 एट एन एंगल ऑफ माइनस 33.69, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1330.8, एंगल हो जाएगा किसका, ये तो जीरो से ऐड होगा तो ये इतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो इतना आ गया, ये यूनिट क्या होगी, कॉम्प्लेक्स पावर की यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर। तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, मैंने जो जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं इनको दोनों को जरूर लिख लेना, क्योंकि मैं अगले उसमें यही यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।